अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, प्रिपेयर हाउ की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद होंगे या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन बयान करेंगे। 1 नवंबर 2020 को डॉक्टर मुराद ने अपने ट्वीट में ये बयान किया कि कोरोना वायरस से बढ़ते हुए केसेस की वजह से स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। मज़ीद इंक्लूड करते हुए कहा कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है और कोई अलार्मिंग सिचुएशन अभी नहीं बनी। बहुत दिनों से ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से पाकिस्तान के तालीमी इदारों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा। 2 नवंबर 2020 को शफकत महमूद ने अपने ट्वीट के ज़रिए इन सारी अफवाहों को गलत साबित करार दे दिया और उनने ये क्लियरली कह दिया, इट अगेन क्लैरिफाइड दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर नॉट बीइंग क्लोज्ड। मगर कोरोना वायरस के दिन ब दिन केसेस में इजाफा होने की वजह से ऑल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड की गई है। ये मीटिंग 5 नवंबर 2020 को शेड्यूल की गई थी। इस मीटिंग का मेन एजेंडा स्कूल्स को बंद करने पे था और दूसरा विंटर वेकेशन के बारे में था। पाकिस्तान के तमाम सूबों के एजुकेशनल मिनिस्टर इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान के भी एजुकेशनल मिनिस्टर ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में सारे मिनिस्टर को अपडेट किया जाना था कोविड-19 के केसेस के बारे में और साथ साथ नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से भी अपडेट किया जाना था। शफकत महमूद ने अपने बयान में ये क्लियरली कहा दैट वी विल गेट अपडेट इन दी मीटिंग, यानी सारे मिनिस्टरों को कोरोना वायरस के डेडली केसेस के ऊपर आगाही दी जाएगी। मगर उनने ये साथ इंक्लूड किया कि इसका ये कतन मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान के तालीमी इदारों को बंद करने जा रहे हैं। इसी में शफकत महमूद ने मज़ीद इजाफा करते हुए कहा कि फेडरल मिनिस्टर या फिर किसी भी प्रोविंशियल एजुकेशनल मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं कि वो स्कूल बंद करने के मैटर के ऊपर अकेला डिसीजन ले। 5 नवंबर 2020 को होने वाली मीटिंग का फैसला ये निकला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री विल रिमेन ओपन, यानी कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। इस फैसले को मीटिंग के सारे पार्टिसिपेंट ने एग्री किया और ये साथ बयान किया कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है और अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। पिछले चंद दिनों से ये कहा जा रहा था कि विंटर वेकेशन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मगर 5 नवंबर 2020 को होने वाली मीटिंग में ये क्लियरली बता दिया दैट देर वुड बी नो विंटर हॉलीडेज इन पंजाब। 5 नवंबर 2020 को होने वाली ऑल एजुकेशनल मिनिस्टर की मीटिंग में एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की जानी थी जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन थी, मगर मीटिंग के तमाम मेंबर 8th, 9th और 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी फैसला नहीं ले पाए। इस मीटिंग के फौरन बाद डॉक्टर मुराद ने क्लियरली ये बयान कर दिया अपने ट्वीट के जरिए कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे और पाकिस्तान के तालीमी इदारों के बंद होने की न्यूज़ को फेक करार दे दिया गया।